पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रयागराज में हुए जुम्मे की नमाज के बाद दंगे पर कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि दंगा करना भूल जाएंगे। आपको बता दें कि मंत्री नंदी करीब कल्याण जन सभा को संबोधित करने उरई पहुंचे थे और इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंत्री नंदगोपाल नंदी से खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी आज जालौन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, जनसभा भी की है। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आज आप जालौन पहुंचे हैं, क्या योजना, कौन कौन सी योजना थी? देखिए, 8 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके बिना थके काम किया है जी। आज गरीब कल्याण की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, उसके लाभार्थीगण और तमाम जनमानस यहाँ पर इकट्ठा था, उन सबसे बातें करी और उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 130 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं। देश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश खुशहाल है। अच्छा, इस क्षेत्र में देखा जाए तो पहले फैक्ट्रियां जो गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अभी भी फैक्ट्री उन बंजर हो चुकी है, कोई फैक्ट्री नहीं है, व्यापार की क्या संभावना यहाँ पर देख रहे हैं? अभी बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और अभी मैं माननीय विधायक जी ने हमें बताया, उन सभी लोगों से बातचीत करके इसको फिर से गुलजार। जिस तरीके से कल प्रयागराज में जो हुई है, सरकार उपलब्धियां गिना रही है, इसे देखा जाए तो क्या कहेंगे आप उस पर, सरकार क्या नाकाम है? देखिए, जो भी असामाजिक तत्व हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, असामाजिक तत्वों और कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर से कभी वो दंगा करने की ओर या दंगा भड़काने की ओर सोचने से पहले 7 बार सोचेंगे, करने से पहले 7 बार सोचेंगे। मैं आम जनमानस से अपील करता हूं कि ऐसे शरारती तत्वों, ऐसे कानून को हाथ में लेने वालों का साथ ना दें और प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मिसाल कायम की। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, जो आज जालौन पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर एक जनसभा को अनुरोध किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रयागराज की घटना को लेकर के जो भी दंगाई है वो बक्से नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शिवर है।